सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सैमिंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। आज सैमिंजर्स के साथ साइकिल का सफर आप लोगों का कंटिन्यू। आज मैं पहुंच चुका हूं नांदेड़ साहब। जैसे आप लोगों को पता है सीरीज चल रही है साइकिलिंग की, हमेशा एक बात ध्यान रखना, पैडल से अपनी हेल्थ का लेवल ऊपर करना। जितना ज्यादा पैडलिंग उतनी ज्यादा आपका हेल्थ का लेवल ऊपर। तो इसी के साथ हम लोग नांदेड़ साहब पहुंचे हैं। नांदेड़ साहब में मैं जिस होटल में हूँ, मैं पहले तो आपको उनके रिसेप्शन में मिलवा देता हूँ। मैं बहुत ही कमाल के इंसान मिले हैं यहाँ पे। सर नाम क्या है आपका? सॉरी, साई वाघवारे। तो साई वाघवारे जी यहाँ पे मिले हैं, साई बाबा के पास ही होके आ रहा हूँ और यहाँ पे भी साई मिले हैं। और आप देख रहे हैं मुझे ना इस होटल में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कल आया था यहाँ पे 11 तारीख को, आज हो गई है 12, 12th of October सैटरडे है आज। अभी चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ से। कल पूरे दिन रेस्ट किया मैंने, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं। कल पूरे दिन मैंने किया रेस्ट इनके होटल में। होटल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है और जितना भी पूरा स्टाफ मिला है, सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसान मुझे साईं जो हमारे साईं जी मिले हैं, यही मिले हैं। साईं जी आपका ये लोकेशन क्या है? छत्रपति चौक नांदेड़। अगर आप लोग को आना है बिल्कुल आ जाओ अभी यहाँ पे। बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, होटल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टे मिला, खाना भी बहुत अच्छा था। यहीं पे हम लोगों ने लंच भी किया, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया। सो दिस इज अमेजिंग। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ हजूर साहब, हजूर साहब गुरुद्वारे जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर है यहाँ से अराउंड। अगर मैं अभी गूगल मैप पे चेक कर रहा था तो अराउंड 6.2 किलोमीटर दिखा रहा था यहाँ से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हजूर साहब गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे जाकर के आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं साइकिल चला के नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद में मैं निकलूँगा और फिर उसके बाद साइकिल, जैसे आपको पता है शाम के स्टार्ट करूँगा, 5-6 बजे करीब स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में देखते हैं कितना आगे तक हम लोग निकल सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी यहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप लोग, इन्होंने भी बहुत बहुत ध्यान रखा, थैंक यू सो मच, आप लोग का भी बहुत बहुत। चलिए So now we are leaving और time हो चुका है 1:35, गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हजूर साहब गुरुद्वारे। चलिए वहीं मिलेंगे, बहुत excited हूँ क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर थे 1708 में गुरुद्वारे में, और हमारे 5 तख्तों में से यहाँ पे एक तख्त साहब हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और एक पटना साहब है यहाँ पे है, अमृतसर में है। सो नाउ वी आर गोइंग एंड लेट्स मीट अप देयर। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे कुसैया, कोई अला। कारण कर
So finally reached Gurudwara Sahib. This is gate number 3. So let's go inside. Yeah.
सो फाइनली दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। लंगर किया हम लोगों ने, लंगर भी हो गया, दर्शन भी हो गए, चाय का लंगर, फिर उसके बाद हम लोगों ने जलेबी भी खाई। तो ओवरऑल मतलब गुरुद्वारे का दर्शन करने का बहुत ही स्वाद आया, बहुत स्वाद। बहुत सालों बाद यहाँ पे गुरुद्वारे में आया हूँ। पहले भी प्लान कर रहे थे, मम्मी के साथ प्लान हो रहा था एक्चुअली मेरा। मम्मी हमेशा बोलते थे हजूर साहब जाना है, हजूर साहब जाना है। तो फाइनली हजूर साहब पहुँच गए, आज दर्शन हो गए, बहुत सालों की तमन्ना थी और वो हो गए। ये पीछे देख रहे हो आप, ये रोड, ये सामने पार्किंग है, इधर सामने पार्किंग है गाड़ी की और जस्ट उसके सामने अपोजिट लेन में आप अंदर जाते हो पर सामने गुरुद्वारा है वहाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कितों आए हो तुसी? आनंदपुर साहब तो आए हो? अरे हैप्पी यात्रा, थैंक यू सो मच। हो गया तो हैप्पी दशहरा तुझे, जस्ट दर्शन करना। अच्छा लगा तो आपका हुक्म होवे। चलो जी आए थे आनंदपुर साहब से सारे दर्शन करने के लिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं, म्यूजियम का प्लान कर रहा हूँ। म्यूजियम होके आते हैं हम लोग, मतलब म्यूजियम जाते हैं, वहाँ पे जाकर के देख के आते हैं क्या क्या है वहाँ पे और फिर आपको अपडेट देते हैं। चलो जी लेट्स गो, म्यूजियम चलते हैं। सोनू कैसे रहे दर्शन? मजा आ गया गुरुद्वारे मत्था टेक के? हाँ यही कह रहे थे। कितने लिखे हैं म्यूजियम? लिखे हैं म्यूजियम? कितने लिखे हैं? संग्रहालय मतलब म्यूजियम? अच्छा म्यूजियम, ओके। लेकिन बंद क्या लग रहा है इनका, पता कर क्या खुला के बंद है? तो आज म्यूजियम बंद था तो म्यूजियम आज नहीं देख पाए, तो फिर डिसाइड यही किया कि यहाँ से निकलते हैं हम लोग नागपुर के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नागपुर के लिए। रास्ते में आप लोग को दिखाए दिस इज़ द अनदर वे जो नागपुर के लिए जाता है, नांदेड़ से नागपुर के लिए। बीच में गोदावरी नदी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत सुकून दे रही थी, बहुत शांत यहाँ पे लग रहा था। सो इट इज़ सुपर्ब अमेजिंग। तो फाइनली आज का हजूर साहब का जो दर्शन थे हजूर साहब गुरुद्वारे के, बहुत ही अच्छे हुए, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे एंड इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स पर कि आप लोगों को कैसा लगा। सो नाउ गोइंग टू हैव टी, बज गए 5:45। अभी अभी धूप गई है और चाय बनाई है, इस पे चाय बनाई है, गाड़ी में यहीं पे चाय बनाई है और चाय अब हम पीने लगे हैं। 5:45 हो गए हैं, चाय पी के फिर मैं साइकिलिंग स्टार्ट करूँगा आज। तो आज यहाँ से चाय पीने के बाद मैं अब निकलूँगा मैं साइकिलिंग करने के लिए और आप देख सकते हो मौसम बहुत प्यारा हो गया, शाम का वक्त हो गया है। बहुत बढ़िया सी चाय बनाई यहाँ पे, गाड़ी में ही चाय बनाई थी, गाड़ी में ही चाय पी के अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं निकलूँगा यहाँ से साइकिल से और गाड़ी मेरे पीछे पीछे आएगी। इस बार साइकिल का बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट जब मैं साइकिल के शूट्स कर भी रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आ रहे। तो सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि मैंने रास्ते में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो मैं आपको एंड में बता दूँगा। बाकी रोड्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, चाय का लुफ्त ये सब ना मुंबई में नहीं हो पाता, मतलब इतनी खुली जगह आराम से सुकून में बैठ के चाय पीना और इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय वाय पी के हम लोग सब और अब मैं निकला हूँ यहाँ से अराउंड 6:30-7:45 करीब निकला हूँ यहाँ से, 6:30 शायद 6:20 पे निकला हूँ मैं यहाँ से साइकिल पे। और आज कंटिन्यूस
चार घंटे साइकिल चलाई है कंटिन्यूस। तो चार घंटे साइकिल चलाई मतलब थोड़ा सा थोड़ा ऊपर था थोड़ा नीचे था, तो इसमें थोड़ा सा टफ लगा मुझे साइकिलिंग में, लेकिन आज मैंने साइकिलिंग का बहुत शूट नहीं किया। आप लोगों को बताना कि साइकिलिंग का और शूट करके दिखाऊं कि इतना ही बहुत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताना। फाइनली 12 तारीख को सैटरडे को नांदेड़ साहब से निकला हूँ और अभी अराउंड 60 किलोमीटर्स मैंने साइकिल चलाई है। जब नांदेड़ से निकले थे हम लोग हजूर साहब से, तो वहाँ से हम लोग ना 20 किलोमीटर्स, मैंने आप लोग को बताया था ना कि हम लोग 20 किलोमीटर्स करीब हम लोगों ने गाड़ी चलाई थी। एक तो धूप बहुत थी, 4:30 बजे हुए थे। 20 किलोमीटर के बाद में हम लोगों ने चाय वाय पीने के बाद मैंने वहाँ से शुरू की थी साइकिल चाय पीने के बाद में, और चार घंटे कंटिन्यूस साइकिल चलाई। और आज का ट्रस्ट नहीं, सबसे ज्यादा हार्ड मुझे आज का ही लगा। टुडे वाज द हार्डेस्ट साइकिलिंग, कॉज के आज नांदेड़ टू नागपुर का जो रास्ता है वो अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहे थे, मतलब फ्लाईओवर बहुत ज्यादा थे, नया बना रोड बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था। लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 60 किलोमीटर आगे। 60 किलोमीटर्स मैंने चलाई है और 20 किलोमीटर्स गाड़ी ने, टोटल 80 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। 10:30 बज चुके हैं अभी, 10:30, और अब यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी और चलाऊंगा मैं नागपुर। यहाँ से बैठेगा अराउंड 200-250 किलोमीटर है यहाँ से मेरे ख्याल से, तो थोड़ी सी और गाड़ी चलाएंगे। आगे कोई अच्छा ढाबा दिखा तो वहाँ पे हम लोग रेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आई डोंट नो क्या है इस जगह का नाम, राजस्थान रॉयल्स, ये ढाबे का नाम है राजस्थान रॉयल्स। यहाँ पहुँच चुके हैं और गाड़ी खड़ी है पीछे, अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद निकलते हैं और लेट्स सी कहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग। पूरा पसीने में आ रहा हूँ उस टाइम पे, थोड़ा फ्रेशन अप होऊंगा गाड़ी में और उसके बाद में फिर हम लोग निकलेंगे। बाकी 12 तारीख की अपडेट यही है, हम लोग जब नांदेड़ से निकले थे तो दिस इज़ दी अपडेट। अब कल मैं आप लोग को बताऊँगा 13th को कि मैंने कितनी साइकिलिंग की है, यहाँ पे क्या बीच में रास्ते में आता है, कुछ एक्साइटिंग आता है कि नॉर्मल हाईवे ही आने वाला है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पैडलिंग ताकि आपके हेल्थ का लेवल बहुत आगे बढ़े। और यहीं समाप्ति करते हैं आज की 12 तारीख की सैटरडे की साइकिल से सैमेंजस का सफ़र जो है साइकिल से, आज हम लोग यहीं पर ही उसको एंडिंग करते हैं। मिलेंगे कल, मैं आपको बताऊंगा कि रात को हम लोगों ने क्या किया, कहाँ खाना खाया, लंगर किया था लंगर नांदेड़ साहब में, लंगर करने के बाद में अब थोड़ी सी भूख लग रही है, लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव। चलो जी, बाय बाय, विल हैव समथिंग यहाँ पे, बाय।